के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो सिस्टर जी, नाम बताइए। मेरा नाम है नवनीत, मैं गुजरात से बात करता हूँ, सूरत से। वो मुझे स्वास्थ्य की तकलीफ है। हकीम साहब का प्रोग्राम देखा, बच्चों का सिर का लिखा है, तो गुजरात में कहाँ मिलेगा ये? आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की तकलीफ है, सांस की तकलीफ? हाँ, स्वाद की तकलीफ है और पेट की तकलीफ रहती है, कायम हर डे लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा, देखिए एक तो ये ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जो पेट को एकदम साफ कर दे। आपके पेट के सिस्टम को जो चीज़ साफ ठीक करे वो चीज़ लेनी चाहिए। लोग हरड़े खा लेते हैं, छोटी हड़ खा लेते हैं, कोई कुछ खा लेता है, कोई त्रिफला खाता है, ये सब चीज़ें नुकसान देती हैं। इनको पहले शुद्ध करना होता है और इनको शुद्ध करने के लिए बादाम या किसी तेल में, यानी जैसे अरंडी के तेल में भूनना पड़ता है, तब ये चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए, नहीं तो पेट का रोग ही बना देती हैं। जैतून का सिरका पता नहीं गुजरात में मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको अगर मुश्किल आए तो हमारे यहाँ भी फ़ोन करके ऑर्डर लिखवा सकते हैं, थोड़ा देर लगेगा लेकिन असली सिरका मिलने की आप उम्मीद रख सकते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर हैं रामपाल मुजफ्फरपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हकीम साहब से बात करनी थी। हाँ जी, वो आपको सुन रहे हैं। जी जी फरमाइए। अच्छा, वो ऐसा था हकीम जी, मैंने आपकी दवाई तो ले रखी है, कैप्सूल ले रहा मैं। अच्छा, आपके वहीं से मंगवाए थे, मुझे प्रॉब्लम है पेट की। ठीक है ठीक है। एक तो गैस की ज्यादा दिक्कत है और पेट फूल सी गया अभी थोड़ा सा। अच्छा, कुछ फायदा हुआ है आपको दवा लेने पर? नहीं, कुछ फर्क सा तो लग रहा है, मतलब कितने दिन तो से मेरे में एक तो कमजोरी बहुत हो गई मेरे अंदर। अच्छा, कितने दिन से दवा ले रहे हैं? और 6 तारीख से ले रहा मैं। अरे अभी तो आपने शुरू किया, फायदा शुरू हो गया तो बस समझ लीजिए आप ठीक होने वाले हैं। तो फिक्र मत करिए, ये यूनानी आयुर्वेदिक दवा संयम वालों के लिए है, सब्र वालों के लिए है। एक महीना लीजिए, एक महीने में बहुत ज़्यादा फायदा नज़र आता है, और फिर अगर जैसे 30-35% फायदा हुआ तो 3 महीने लगेंगे, 50% फायदा हुआ तो 2 महीने लगेंगे। फिक्र मत करिए, आपको फायदा शुरू हो गया आपने कहा, और बहुत जल्दी आप ठीक होने वाले हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं ज्योति चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है ज्योति आपका। हाँ जी नमस्कार जी, मैं ज्योति शर्मा बोल रही हूँ। सर मैडम, मैं सर से पहले तो नमस्ते मैं करूँगी। जी सर, ऐसा है कि मेरा यहाँ पे मुझे ना मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता खाना, और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने सभी दवाइयाँ खा के भी देख लिया पर मुझे कोई आराम नहीं आ रहा। बेटा जांच कराई आपने और एज भी बताइए अपनी? हाँ जी, एज भी बताइए और जांच कोई कराई, सोनोग्राफी वगैरह कराई आपने? हाँ जी करवाई है मैंने, मेरे को सिर्फ गैस की प्रॉब्लम बताई है उन्होंने ना। ठीक है, एज कितनी है बेटा? हाँ जी, एज मेरी है 40 के करीब है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, बहुत आसान सा, वो आप खुद बनाएं, लेकिन आपसे मेरी एक शर्त है कि कोई भी चीज़ पिसी पिसाई नहीं लाना। आजकल महिलाएं क्या कर रही हैं, सारी चीज़ें पिसी पिसाई लाती हैं और उसी से खाना बनाती हैं, और पता नहीं वो जो पिसे पिसाए चीज़ों में वो बात है कि नहीं है। तो जो भी चीज़ बताऊं आप उसे साबुत लें, यानी रॉ मटेरियल लें, और धनिया 100 ग्राम, धनिया दाना लें पिसा पिसाया नहीं, धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, और ज़ीरा 100 ग्राम, और कलौंजी का नमक आता है ये 100 ग्राम, एस्टेक होता है कलौंजी का एस्टेक, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम लेके घर में, शर्त ये घर में पाउडर बनाएं, और आप इसको एक चम्मच यानी 3-4 ग्राम सुबह 3-4 ग्राम शाम, खाने से पहले भी ले सकते हैं बाद में भी, जिस दिन से आप खाएंगे उस दिन से आपको फ़ायदा शुरू हो जाना चाहिए। और ये मटेरियल जो मैंने 500-600 ग्राम बताया है, 500-600 ग्राम बताया, ये ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं अनिल हिमाचल से हमारे साथ, स्वागत है अनिल आपका। हाँ जी
मेरा सवाल ये है मैडम, मेरे को ना जो श्वेत पित्त होता उसकी मेरे को तकलीफ है, और बीपी की भी थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे को, पहले खुजली बहुत होती है। हाँ जी, अच्छा ये बताइए पहले क्या कहा आपने? मेरे को जो श्वेत पित्त होता ना, जो जिसको आर्किटेरिया बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, वो मेरे को बहुत हो जाता है, जैसे मैं एंटी एलर्जी खाता हूँ सिट्रेजिन वगैरह, तो 4-5 दिन आराम रहता है, फिर उसके बाद मेरे को फिर वो धब्बर पड़ने शुरू हो जाते हैं बॉडी पे ना। ठीक है ठीक है, बहुत आसान मैं आपको एक इलाज बता देता हूँ। देखिए एक सिरका आता है, जैतून का सिरका, जैतून ऑलिव को कहते हैं, ऑलिव ऑयल आता है, ऐसे ही उसका सिरका भी आता है। जैतून का सिरका लें, विनेगर जिसे कहते हैं, जैतून का सिरका, और रात के समय 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, और एक चुटकी उसमें सोडा डाल दें, खाने वाला सोडा, याद रखें खाने वाला सोडा, और 3 चम्मच जैतून का सिरका डालें, उसमें एक चुटकी खाने वाला सोडा डालें, तो उसमें ऐसे झाग से उठने लगेंगे, तो फिर उसमें पानी मिला के पूरा गिलास भर के रात को पी लिया करिए। अगर आप 1 महीने लगातार पीते हैं तो आपकी ये दोनों तीनों परेशानियां ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं महेंद्र कोटा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, सवाल कीजिए अपना। एडी में दर्द रहता है, कोई एडियो में दर्द रहता है, पैरों में। महेंद्र कुमारी, महेंद्र कुमारी। हाँ, कितनी एज है आपकी और कब से तकलीफ है? 63 साल की उम्र है। 63 साल की उम्र है और 6 महीने से हो रही है। ठीक है ठीक है, 6 महीने से दर्द होता है एडियो में। चलिए फिर भी आपने जल्दी फ़ोन कर लिया, और देखिए आप मेहनती लग रही हैं बहुत, थोड़ी मेहनत कम करना, पोंछा ओछा बिल्कुल मत लगाना, कपड़े ज़मीन में बैठ के नहीं धोना, किचन में खड़े होकर आप सारे काम कर सकती हैं, अच्छी उम्र है। और ये मैं आपको एक बता रहा हूँ दवा, वो एक रॉ मटेरियल है, उसको मंगा लीजिए, 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, उसका नाम है गौंदसिया, यानी काला गौंद जिसे कहते हैं, ये जायके में बड़ा कड़वा और देखने में ऐसा होता है ब्राउन कलर का, ये 100-200 ग्राम खरीद लीजिए और इसको पाउडर बना लीजिए, 2 चुटकी खाने के बाद खाइए, ये चुटकी इसे कहते हैं हम, तो 2 चुटकी खाने के बाद सुबह नाश्ते के बाद खाइए और 2 चुटकी रात को, ये 100-200 ग्राम गौंद ख़त्म होते होते आपकी तबीयत ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए महेंद्र कुमारी जी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सब कुछ मुमकिन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जो अभी आपको घरेलू नुस्खे यहाँ पे हकीम साहब ने बताए हैं वो आपको वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे अभी आपको यहाँ पे बताए गए हैं। दर्शकों, जब आप लोग की कॉल कार्यक्रम में लग जाती है, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि एक एक नुस्खा आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो आसानी से आप लोग वो रॉ मटेरियल खोज पाएंगे, ले पाएंगे जो आप लोगों को यहाँ पे बताए जाते हैं। अगर कोई भी रॉ मटेरियल लेने में आपको दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं तो उसके लिए आप हमारी कंपनी से संपर्क साध सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ से असली मिलता है दर्शकों, हर चीज़ एकदम असली होती है, प्योर होती है, लेकिन एक एक बात का आपको ध्यान रखना है तभी आपको लाभ मिलेगा कि किस तरीके से आपको पीसना है, कितने ग्राम आपको सेवन करना है। अगर कोई भी बात सुनने से आप लोग चूक जाते हैं तो आप हमारे अनुभवी डॉक्टर से संपर्क साध सकते हैं। देसी नुस्खे जानना चाहते हैं, एक सरल इलाज, एक बेहतर इलाज अगर आप जानना चाहते हैं, फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार। हेलो, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही है? जी मैं हाथ भरवान उड़ीसा से बात कर रही हूँ, ये करीबन 36 से 100 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है। सवाल कीजिए अपना। जी बताइए, मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी आदा, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या सेवा है? जी हकीम साहब, कुछ मेरे बहुत बड़ी समस्या है हकीम साहब, मेरे घर में परेशान हो गए हैं हम सब।
बताइए, तो आप घरेलू नुस्खे भी बताइए प्लीज। बताइए बताइए क्या समस्या है, समस्या बताइए। जी जी, मैं पहले छह या सात महीना से हो गया है, मतलब मैं डॉक्टर के पास गई थी और ब्लीडिंग हो रहा था बहुत जोर से, बहुत बड़ा बड़ा, मैं क्या कह, मांस लोथड़ा गया है। मैं समझ गया। उसके बाद सर डॉक्टर के पास गई तो इलाज भी करवाई, फिर उसके बाद डॉक्टर बोले नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, सिर्फ उस आपके जो ये में पेट के अंदर जो खून जम गया है ऐसे बोले, तो मैं हॉस्पिटल में इलाज भी करवाई सर। अभी कुछ समस्या है अभी जी? आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी आ रहा है जी। अभी कोई परेशानी है आपको? जी हाँ, ब्लीडिंग बंद, मतलब थोड़ा थोड़ा कम है अभी ब्लीडिंग, मतलब जाता है बंद नहीं हो रहा, इसमें परेशान हो गया है, परेशानी लग रहा है। ठीक है, अपने डॉक्टर से भी आप इलाज लेते रहिए और लेडी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा तफसील से खुले में बात करनी है तो हमारे इसी नंबर से आपको फ़ोन आएगा लेडी डॉक्टर का, वो आपसे सारी अंदरूनी बातें करेंगे, और जो रिपोर्ट डॉक्टर ने दी हो वो भी आप उन्हें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं, हम इसके आपके लिए कोई ना कोई मदद ज़रूर करेंगे। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मीरा पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है मीरा आपका। हाँ जी जी, बताइए। मैडम मेरी मम्मी को ना जी बहुत ज्यादा पेट में जलन ते गैस बनती है जी। ठीक है, ते जो भी खाते भी उसको खाते जलन पैदा हो जाती है, ते लैटरिंग वाली थां पे ते बाथरूम वाली जगह ते बहुत जलन रहती है। अच्छा, मम्मी की उम्र 65 साल है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, एक मम्मी के लिए आप एक नुस्खा बना दीजिए, आप लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। ये काफ़ी कामयाब नुस्खा माना गया है, और देखिए धनिया सब साबुत लेना, रॉ मटेरियल लेना सब चीज़ें, और घर में पीसना। मम्मी के लिए इतना तो आप कर ही सकती हैं कि घर में इतना इनको पाउडर बना लें। धनिया, सौंफ, सौंठ, जीरा, धनिया, सौंफ, सौंठ, जीरा और अजवाइन, धनिया, सौंफ, सौंठ, जीरा और अजवाइन 100-100 ग्राम लीजिए, और 100 ग्राम आपको लेना है कलौंजी का एस्टेक आता है, कलौंजी का नमक इसको कहते हैं आसान जबान में, कलौंजी का एस्टेक 100 ग्राम इसमें मिलाइए और पाउडर बना के 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम को पानी के साथ मम्मी को देना शुरू करें, और जिस दिन से देंगे उसी दिन से उनको राहत होने लगेगी, आसानी होने लगेगी, और ये सब मटेरियल जो रॉ मटेरियल बताया है ये ख़त्म होते होते आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर हैं प्रेम मुंबई से हमारे साथ, स्वागत है प्रेम आपका। मेरी एज है 69। ठीक है जी। मेरे को एक तो कब्ज की प्रॉब्लम है, पाइल्स हैं, और दूसरा यूरिन जो कंट्रोल नहीं हो रहा, और इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं हर 10-12 घंटे बाद जाती हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, दिन से 15-20 बार होता है, और दूसरा घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, और बीपी और नॉर्मल है, वो उसकी दवाई मैं खा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, बीपी की दवाई आप लेती रहें, और इन्फेक्शंस होते हैं महिलाओं को, इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से काफ़ी ये आता है, पेशाब आता है, और अक्सर रहते हैं उनके लिए। तो देखिए, अगर कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं आप, और बीपी की दवाई भी आप खाते हैं, वो खाते रहिए, एक दवा मैं बताता हूँ और वो लीजिए आप, गौंद स्याह आपको लेना है 100-200 ग्राम, काला गौंद इसे कहते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाता है,
कोई परेशानी हो तो फिर आप हमें फ़ोन करना। और इसका पाउडर बना के दो चुटकी सुबह दो चुटकी शाम खाइए, तो इससे आपका पेशाब भी कंट्रोल होगा और आपके दर्द भी ठीक होना मुमकिन है। चलिए, आपका दर्द भी ठीक ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मुमकिन सब कुछ है। देसी नुस्खे जान सकते हैं, यूनानी पद्धति से आप लोग जुड़ सकते हैं।